राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित करने पर जहां बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राहुल गांधी का बचाव किया है और उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी अगर कांग्रेस की देशभक्ति पर उंगली उठाती है तो बीजेपी को बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी की जंग कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई थी और आज़ादी के बाद कांग्रेस ने देश के लिए एक नहीं बल्कि दो दो प्रधानमंत्रियों को खोया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की एकता को बनाए रखने के लिए कई शहादतें दी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शहादत का दर्द नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, अब यही रह गया है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही जो है, मुरली मनोहर जोशी जी ने भी जब आतंकवादियों के परिप्रेक्ष्य में बात कही थी उन्होंने भी कुछ कहा था, वो भाजपा को याद नहीं है। अरे मैं एक बात भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की देशभक्ति पर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उंगली उठाने का काम करते हैं तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ इस देश की आज़ादी की जंग कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई और उसके बाद आज़ादी के बाद हमने एक नहीं दो दो प्रधानमंत्रियों को खोने का काम किया। इंदिरा गांधी जी की शहादत, राजीव गांधी जी की शहादत इस बात के संकेत है कि इस देश को एक रखने के लिए हमने